लेकिन कांग्रेस अनुशासित पार्टी है। मैं आपको भरोसा देता हूँ टॉप उमियारा से जो भी उम्मीदवार को कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी उसको हम सब एकजुट होकर के उसको जिताए। प्रभारी मीटिंग के पार्टी के प्रभारी प्रभारी अधिक अधिकृत प्रभारी प्रभारी जी इसके मैं बोलने के लिए वो मेरे सामने है। आपसे राय मांगी गई है, कोई राय दिया आपने? हरिमोहन जी हरिमोहन जी हरिमोहन जी हाँ हाँ मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया है, सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। आज हम सब ने बैठ करके आगे होने वाले चुनाव के संबंध में जो भी कांग्रेस हाई कमान टोंक और उनियारा से उम्मीदवार तय करेगा उसकी हम सब संगठित रूप से मदद करके उसको विजय श्री दिलाएंगे। आपको भरोसा देते हैं कि ये सीट पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी की रही है और इस उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। नामों पर विचार कांग्रेस हाई कमांड कर रहा है गंभीरता से, आज शाम को या कल शाम तक फैसला हो जाएगा। हमने नामों पर विचार हमने नहीं किया, नाम पर विचार कांग्रेस हाई कमांड कर रहा है। कांग्रेस हाई कमांड सब सोच समझ करके उम्मीदवार घोषित करेगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो अंदाजे आप अपने मन से लगा रहे हैं वो सब बेकार जाएगा। हरीश जी ने खुद ने घोषणा कर दी कि मेरे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हरीश जी के सामने बोल रहा हूँ ना। विजय बेंसला मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो उनके उम्मीदवार की आलोचना कर रहा है तो जो भारतीय जनता पार्टी का विद्रोह सामने आ रहा है ये उसका प्रतीक है। मेरा सीट पर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, क्या कांग्रेस के संपर्क में विजय बेंसला भी है? जातिगत दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जा रहा। जातिगत दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी विचार नहीं कर रही है, वो इस दृष्टिकोण से विचार कर रही है कि कौन कांग्रेस का उम्मीदवार विजयश्री प्राप्त कर सकता है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय है, जो जनप्रिय है, जो सामाजिक सेवा में जुड़ा हुआ है और कांग्रेस को विजयश्री दिलाने में वो अपने चरित्र के हिसाब से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उस दृष्टिकोण से कांग्रेस विचार कर। कितने लोगों के नाम पर चर्चा हुई अभी आप? हमने यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा नहीं की। हमारा काम तो जो उम्मीदवार कांग्रेस हाई कमान तय कर देगा उस उम्मीदवार को विजयश्री दिलाने की रूपरेखा। कहा जा रहा है विजय बेंसला कांग्रेस के संपर्क में है, बात हुई कोई? विजय बेंसला कांग्रेस के संपर्क में हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये साफ है कि विजय बेंसला ने भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ जो विद्रोह का बिगुल बजाया है उससे भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक चिंतित है और हमेशा भरोसा है जो अन्याय विजय बेंसला के साथ हुआ है वो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बजाय कांग्रेस के उम्मीदवार का साथ देगा। उनके अन्याय को कांग्रेस के पक्ष में देखा जा सकता है? अन्याय एक के खिलाफ जो जाता है तो अपने आप दूसरों के पक्ष में स्वतः ही हो जाता है। आज मीटिंग हुई है, किस तरह से देखा है, मंत्र मंत्र यहाँ पर चला है, किन नामों पर चर्चा हुई है और किसको को फाइनल कर दिया गया? जिस मीटिंग में मैं शरीक हुआ था, जिसमें मैं शामिल हुआ था, वो देवली उनियारा उपचुनाव की है, तो मैं उसी में था। बाकी और मीटिंगें चल रही है, अलग अलग कमरों में चल रही है। मैं जिसमें शामिल हुआ था वो एक विधानसभा की थी उपचुनाव की, उसमें सब लोगों को उसमें हमारे प्रभारी टोंक जिले के प्रभारी हैं ये प्रशांत शर्मा जी, जो अपने आमेर के एमएलए हैं,
और भी हमारे पास संगठन के लोग थे, तो मुझे भी बुलाया गया था उसमें। तो मैंने जो मेरे विचार रखे, मेरा यही था कि जो भी, क्योंकि जनरल सीट है, इसमें हर पार्टी का मांगने का अधिकार, हर जाति का आदमी मांग सकता है, आरक्षित सीट नहीं है। तो हमारा प्रयास ये रहे कि ऐसी सहमति बने जो जिताऊ आदमी हो, जो कांग्रेस को सीट दोबारा दिला सके, उसको टिकट। प्रभारी जी ने कहा है कि हरीश जी के घर से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। प्रभारी जी ने क्या कहा वो सवाल तो आप उनसे पूछें। मैं ये कह रहा हूँ जिसको पार्टी टिकट देगी उसको जिताने का पूरी कोशिश। हरीश जी, बीजेपी ने ये बात कही थी कि देवली उनियारा में इस बार सचिन पायलट और हरीश जी को मुंह खानी पड़ी, उन्होंने ये चुनौती दी। हम चुनाव में सचिन पायलट और हरीश मीणा की जुगलबंदी का तोड़ हम निकाल। देखो विरोधी पार्टी क्या कहती है उसके बारे में क्या कहूँ, वो हमारे विरोधी हैं तो विरोधी करेंगे, और हमें उन चीज़ों पे ध्यान भी देना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता की भावना के अनुरूप, जनमानस के विचार के मुताबिक टिकट मिले, ताकि सब जातियों का, सब धर्मों का उसको समर्थन मिले। सातों सीटों पर चुनाव में, मैं सातों के बारे में नहीं कह सकता, मैं देवली उनियारा के बारे में बता सकता हूँ जहाँ मैं संबंधित है, बाकी तो बड़े लीडर बोलेंगे।